गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ। तो दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है तो पूजा की हूँ। देखिए, येलो चंदन लगाई हूँ, तो आज बृहस्पतिवार है तो येलो येलो पहनी हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी लग रही हूँ दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद पूजा पाठ हो गया, अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो खाने में क्या बनाऊँगी आप लोग से बताऊँगी। सेवैया बनाऊँगी, बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और पराठा बनाऊँगी, तो आप लोग से शेयर करूँगी दोस्तों। और मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? तो फिर कल डायलिसिस जाना है, इसलिए आज थोड़ा सा सवर ले रही हूँ। फिर कल मेरा गिलाई होगा। हंसती हूँ तो फिर रोना आ जाता है सोच के दोस्तों। बहुत खुश रहती हूँ, भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर याद आ जाता है कि नहीं, मेरे अंदर एक अनवांटेड चीज़ है जो मुझे बीमार रख रहा है। कब ठीक होऊंगी कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं पूरा फुर्ती रहूँगी। आई एम स्ट्रोंग वोमेन दोस्तों। अभी चलती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ। और दोस्तों, मेरे इंस्टा आईडी है RadhaShah843, आप लोग फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ। तो दोस्तों, किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवैया। तो सेवैया बनाने के लिए देखिए इस तरीके से सेवैया बनाएंगे। तो सेवैया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है सेवैया को फ्राई करने के लिए। इसे रोस्ट करूँगी, उसके बाद सेवैया बनाएंगे। तो चलिए, ईद ख़त्म हो गया तो ईद स्पेशल सेवैया मैं आज बनाने जा रही हूँ, आप लोग से शेयर करूँगी। इसलिए इसे थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं कर सकते आप। तो इसे थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट कर दी, थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। ये बहुत पतला सेवैया है। और इसे यहाँ पे साथ ही मैं बैगन की सब्जी बना रही हूँ दोस्तों, बैगन की सब्जी बना रही हूँ, अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी। आलू बैगन की सब्जी है, यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं और यहाँ पे सेवई रोस्ट करके रखा हुआ है। तो सब बनाऊँगी, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे मसाला रख दी, बैगन का सब्जी बना ले रही हूँ फटाफट। मुझे तो बैगन नहीं खाना है, बस हस्बैंड के लिए, पापा के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे बैगन की सब्जी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी, जब तक ऑयल ना छूट जाए, भूनते रहना है। किस चीज़ को बैगन की सब्जी अच्छा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें मैं मसाले रखी हूँ, जीरा, धनिया, चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी और जीरा, ये सब का फ़ोरन और प्याज का फ़ोरन। दोस्तों, सब्जी देखिए पूरा लाल हो गया भून के। अब इसमें हम पानी रख देंगे। पे पूरा दूध रख दी हूँ। अब उसके बाद इसमें दूध जब उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं सेवैया रखूंगी। तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे खाना बन रहा है और जंगल देखिए कितना ज्यादा जंगल हो गया है। यहाँ पे सब्जी पक रहा है, देखिए बैगन की सब्जी कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे बैगन का सब्जी पक रहा है, यहाँ पे दूध उबल रहा है और यहाँ पे सेवैया। यहाँ पे दूध उबाल होगा तो मैं सेवैया रख दूंगी।
हम यहाँ पे मैं सेवैया रख दी दोस्तों। सेवैया बन गया, अब इसमें अपना स्वाद अनुसार चीनी रख देंगे। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। इसमें चीनी रखेंगे, गैस बंद करके चीनी रखती हूँ। वाह बहुत यम्मी बना है। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ये सब डाल के सर्व करिए। मेरा सेवैया बनके तैयार हो गया। देखिए अब इसे ढक के रख दूंगी और यहाँ पे मेरा सब्जी भी बन गया दोस्तों। यहाँ बैगन आलू टमाटर का सब्जी बन गया, कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं तवा चढ़ा दी हूँ, हस्बैंड ने रोटी बेल दिया है क्योंकि मैं बेल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में डायलिसिस होता है तो मैं बेल नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे रोटी बेल के रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे तवा चढ़ा दी हूँ, यहाँ पे सेकना है मुझे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे तेल रखी हूँ, यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा बना दे रही हूँ। गर्मा गर्म पराठा बना दे रहे हैं। बस बन गया आज का ब्रेकफास्ट, पराठा सब्जी और यहाँ पे सेवैया। तो आज का ब्रेकफास्ट यही है। कैसा लगा आज का खाना ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितना बारिश हो रहा है, आप देख रहे हैं, वो मेरा है, देख रहे हैं कितना बारिश हो रहा है। देखिए यहाँ पे बारिश हो के पूरा परेशान हो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है, ट्यूसडे और फ्राइडे मेरा डायलिसिस रहता है, तो फिर कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो देखती हूँ हॉस्पिटल से ही सूट हो पाएगा तो करूँगी, नहीं तो कल देखती हूँ कल मेरा ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट के लिए थैंक यू। और मुझे किसने सपोर्ट, मुझे कल जिसने सुपर चैट किया था मैं उनका नाम बता रही हूँ। वेट मैं नाम बता, सुपर चैट मिला, मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे सुपर चैट मिला तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं सोचती थी मुझे कोई सुपर चैट नहीं करता है, बट मुझे बहुत खुशी मिला। छोटा छोटा खुशी में ही मैं खुश हो जाती हूँ। तो मुझे जस्ट जोवर 77 ये सिस्टर ने मुझे सुपर चैट किया तो बहुत खुशी हुआ। थैंक यू सो मच जस्ट जोवर 777, थैंक यू फॉर सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया। ओके दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, कल हॉस्पिटल में मिलते हैं आप लोग से। बाय बाय।